मुर्दाबाद का नारा था तो दूसरी तरफ जिंदाबाद का। कोई पुतला जला रहा था तो कोई पुतला बुझा रहा था। पुतला था झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह का। एक तरफ नाराज कार्यकर्ताओं का दल था तो दूसरी तरफ नाराज कार्यकर्ताओं से नाराज कार्यकर्ताओं का। वैसे भी कांग्रेस पार्टी में इन दिनों गृह युद्ध कोई नई बात नहीं, लेकिन अभी तक नेता लोग ही आमने सामने थे। कहीं कुर्सी झगड़े का केंद्र था तो कहीं नेता। अब कांग्रेस आलाकमान भी मुश्किल में है। कांग्रेस क्या है? एक विचारधारा है, एक राजनीतिक जमात है, या फिर कुछ लोगों का समूह? आप चाहे जैसे इसे परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन रांची के सबसे पुराने भवनों में से एक कांग्रेस भवन में आज फिर इतिहास दोहराया गया। कभी डॉक्टर अजय कुमार गो बैक के नारों से गूंजा कांग्रेस भवन, आज प्रदेश प्रभारी आरपीएन गो बैक के नारों से गूंज उठा। गौरतलब है कि अपने दो दिवसीय दौरे पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह दिल्ली में थे। प्रवास के दूसरे दिन जब प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और सभी कार्यकारी अध्यक्ष समेत सीएलपी लीडर मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस के कई कार्यकर्ता योगेंद्र सिंह बेनी के नेतृत्व में आरपीएन सिंह का पुतला फूंक रहे थे। इन नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप था कि आरपीएन सिंह के प्रभारी रहते अभी तक चार प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन आरपीएन सिंह साहब झारखंड कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में लेकर पॉकेट पार्टी बनाए रखने की वजह से कभी कमेटी का विस्तार नहीं होने देना चाहते। नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप था कि सुखदेव भगत, डॉक्टर अजय और फिर डॉक्टर रामेश्वर उरांव, इन तीनों प्रदेश अध्यक्ष ने कभी भी कमेटी का विस्तार नहीं किया, जिसके पीछे आरपीएन सिंह का हाथ है। कार्यकर्ताओं ने आरपीएन सिंह का पुतला दहन करने के साथ साथ आरपीएन गो बैक के भी नारे लगाए। हालांकि कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला बुझा दिया और मारपीट कर उनको वहां से भगा दिया। पार्टी को बचाने वाले इसे जिंदा पार्टी का उदाहरण बताएंगे, मीडिया के बयानों में इसे विपक्ष का हाथ बताया जाएगा, लेकिन सच यही है कि एक धड़ा आज भी असंतुष्ट है। कारण चाहे जो भी हो, आरोप यही लग रहा है कि जब से आरपीएन सिंह प्रभारी बने हैं, तब से कांग्रेस सिर्फ पॉकेट की पार्टी बनकर रह गई है। एक प्रदेश अध्यक्ष और कुछ कार्यकारी अध्यक्ष से ही पूरी पार्टी हांकी जाती है। ये पुतला दहन क्यों किया गया? आरपीएन सिंह इसका जवाब दिए बिना ही दिल्ली लौट गए, लेकिन सवाल जस का तस है। उम्मीद यही की जाएगी कि नाराजगी और विवाद का हल जल्दी ही निकाल लिया जाए, वरना बड़ी आग लगने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in